हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन ते। क्लास 10th कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपां डिस्कस करन जा रहे हैं। पंजाब बोर्ड के लिए CBSE बोर्ड के भी यहोजे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि टोटल मतलब अपने कोल की है 6, 4, 10 ते 2, 12 नंबर का ट्रायंगल चैप्टर आना। 4 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा अपने कोल 2 नंबर का। तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपां 2 क्वेश्चन डिस्कस करांगे, उन्होंने कोई एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसिज है। तो पहला क्वेश्चन है अपने कोल, त्रिभुज ABC एक समदोभुजी त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है। सिद्ध करो AB² बराबर 2 AC²। क्वेश्चन की कह रहा आपां, एक त्रिभुज दिती हुई है, एक त्रिभुज दिती है आपां ABC जिंदा सी कोण की है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का। ये अपने कोल ए आ गया, ये अपने कोल की आ गया बी। नाले की कहिंदा समदोभुजी, उन्हें क्या सम दो भुजी। सम का मतलब होंगे बराबर, सम का मतलब की होंगे बराबर, दो का मतलब दो, भुजी का मतलब भुजा, मतलब दो भुजा की आपस के बराबर है। तो AC बराबर की है BC, क्योंकि AB तो किसी के बराबर हो नहीं सकती, क्योंकि ये कर्ण है। समकोण त्रिभुज के जो सब तो लंबी भुजा होंगी वह कर्ण होंगे, तो यह किसी के बराबर नहीं होंगी। ये दोवें आपस की है बराबर दते हैं। आपां नूं दित्ता की होया क्वेश्चन दे विच, त्रिभुज ABC विच जिहड़ा सी कोण आ उह किन्ने डिग्री दा, 90 डिग्री दा। नाल आपां नूं की कहा उहने AC बराबर की है BC। आपां सिद्ध करना AB² बराबर की है 2 AC²। ये चीज़ आपां सिद्ध करनी है। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करदा, एक समकोण त्रिभुज दिती है, समकोण का मतलब एक कोण किन्ने डिग्री का है, 90 डिग्री का। नाले ने की कहा त्रिभुज सम दो भुजी है, मतलब दो भुजाव आपस के की है बराबर है, मतलब AC बराबर की है BC। मैं सिद्ध करना है जिहड़ा AB² है वह कदे बराबर है, AC² के दुगने के बराबर है। ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो आप एक्सप्लेन करते हैं, त्रिभुज ABC देखो, त्रिभुज ABC की है जिहड़ा सी कोण है वह किन्ने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जे आप ABC देखिए सी कोण की है 90 डिग्री का। किसी त्रिभुज के जेकर एक कोण 90 डिग्री का हो तो उत्थे आप कि थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस। तब लिखांगे पाइथागोरस अनुसार, पाइथागोरस की कहती है 90 डिग्री के सामने वाली जी भुजा उन्होंने की कहें कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की कहें कर्ण। AC की कहें आधार, मतलब एक आधार हो गया, एक ही हो गया लंब, मतलब अपने को बन गया कर्ण का वर्ग कादे बराबर है लंब का स्केयर प्लस की आ गया आधार का स्केयर। इस चीज़ के बराबर है पाइथागोरस, यही कहें कर्ण का वर्ग बराबर की है लंब स्केयर प्लस की है आधार स्केयर। हुण कर्ण अपने को है AB, कर्ण की वैल्यू कितनी है AB² आ गया। लंब कितना अपने को BC, तो BC का स्केयर आ गया। तो आधार अपने को है AC, आधार की वैल्यू की अपने को AC, तो इतने की आ गया अपने को AC²। तो मेरे को बन गया AB² बराबर की आ गया BC² प्लस AC² पर अपने को AC ते BC की है बराबर, पर AC का दे बराबर है BC दे। तो जिथे BC लिखा उत्थे मैं की लिख सकता AC लिख सकता। सो कितना आ गया AB² का दे बराबर आ गया AC² प्लस AC² AC² ते AC² कितना आ गया अपने को दुगुना AC², क्योंकि AC² नूं जेकर आपां AC² दे विच जोड़िए तो कितना बन गया 2 times AC² सो दैट इज़ द प्रूफ। तो अपने को सिद्ध हो गया जो AB² है कादे बराबर है AC² दे दुगड़े दे बराबर है। ये क्वेश्चन 2 नंबर दे विच पक्का आ सकता है, 2 नंबर दे विच 100% इन्हें आने के चांसिज है। तो क्वेश्चन ध्यान नाल करियो। हुण क्वेश्चन नंबर 2, एक होर क्वेश्चन मैं कहा सी तुहानू, एक होर क्वेश्चन आपां डिस्कस करांगे, त्रिभुज चैप्टर दे विचों नहीं है चक्कर चैप्टर दे विचों है। 2 नंबर का वह क्वेश्चन दे आने के चांसिज है गया। क्वेश्चन आपां नूं की कह रहा, क्वेश्चन कह रहा सिद्ध करो चक्कर दे व्यास PQ दे सिरे ते खिंचियां गई स्पर्श रेखावां समांतर होंदियां। देखो क्वेश्चन अपने कोल सिंपल जिहा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कह रहा एक चक्कर है, अपने कोल चक्कर है जिंदा केंद्र की है O, आपां नूं दित्ता की है O केंद्र वाला चक्कर।
ओ केंद्र वाला चक्कर। हुण की कहिंदा है, आ इहदा हो गया व्यास। पी क्या हुआ अपने कोल की है, डायमीटर, मतलब अपने कोल की हो गया व्यास हो गया। हुण इहदे सिरिआं ते दो स्पर्श रेखावां खिंचदीआं, एक तां इधर नूं जा रही है एक्स वाई, एक इधर जा रही है क्यू दे विचों, एक्स डैश ते वाई डैश। आपां इह सिद्ध करना जिहड़ी एक्स वाई है, एक्स डैश वाई डैश दे की है समांतर, मतलब ये आपस की है पैरलल है। तो आप सिद्ध करना है एक्स वाई समांतर की आ गया एक्स डैश से वाई डैश। जिहड़ी एक्स वाई रेखा है वह एक्स डैश वाई डैश से की है समांतर है। तो आपां नूं एक चीज़ पता है, जिहड़े कोण हुंदे आ ये की आपस दे विच 90 डिग्री हुंदे आ। कोण एक भी 90 डिग्री है, कोण दो भी की है 90 डिग्री है। या आपां इहनूं भी लै सकते हैं, इहनूं मैं दो कोण मान लिया। ओके, तो मेरे कोल की आ गया कोण एक कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक है, कारण की लिखांगे, कारण लिखना जरूरी है। तो कारण आ गया अपने कोल स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा अर्धव्यास दे लंब, अर्धव्यास ते लंब हुंदी जिहड़ी स्पर्श रेखा है ना, अर्धव्यास नाल की है मतलब रेडियस नाल की है 90 डिग्री का कोण बनाउंदी है। जिहड़ी स्पर्श रेखा वाली अर्धव्यास नाल की है 90 डिग्री का कोण बनाउंदी है। इसे तरह जिहड़ा कोण दो है ये भी की है 90 डिग्री, इहदा कारण भी की आएगा अपने कोल सेम आएगा। जिहड़ी स्पर्श रेखा है अर्धव्यास नाल 90 डिग्री का कोण बनाउंदी है। तो हुण देखो, पर एक बराबर दो क्यों, एकांतर कोण। ये कौन कोण होंगे, एकांतर कोण, इंग्लिश की कहते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन इंग्लिश कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक ते दो केड़े एंगल है, एकांतर कोण। इसलिए जो एकांतर कोण बराबर हो गया बड़े आपस के रेखावं आपस के होंगे समांतर होंगे, इसलिए एक्स वाई समांतर की आ गया एक्स डैश वाई डैश। जो आ वाले कोण तो आ वाले कोण आपस के बराबर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस बराबर हो गए, तो लाइन आपस की होंगे पैरल, इसलिए आप कहता एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश दे की है समांतर। ये क्वेश्चन भी दो नंबर दे विच पक्का आ सकता, क्योंकि तीन सैट आ ए बी सी, तो तिना दे विच किसी ना किसी सैट दे विच ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। जो पहला करवाया से वह भी किसी ना किसी सैट दे विच क्वेश्चन जरूर रहेगा। अगली वीडियो दे विच एक और थ्योरम आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे आप डिस्कस करांगे।